आरकेपुरम वार्ड की निगम पार्षद तुलसी जोशी व मौजूदा साउथ दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन तुलसी जोशी ने सांसद मीनाक्षी लेखी के साथ और नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा के साथ मिलकर आरकेपुरम के सेक्टर 7 के नगर निगम के स्कूल में सैकड़ों परिवार के लोगों को राशन वितरण किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरकेपुरम की, जहाँ पर आज तुलसी जोशी के द्वारा ये राशन वितरण कार्यक्रम रखा गया। सैकड़ों परिवार के लोगों को टोकन के माध्यम से यहाँ पर राशन दिया गया, जिसमें जरूरत का सारा सामान है। सेवा ही संगठन नारे के तहत लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये राशन वितरण किया जा रहा है। इसमें नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी पहुँची और नई दिल्ली जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा भी मौजूद रहे। सोशल डिस्टेंस बनाकर लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राशन की किट है वो दी गई है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, रिफाइंड मसाले, चीनी, चाय पत्ती और सैनिटाइजर और मास्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तुलसी जोशी के द्वारा दी गई हैं। इससे पहले भी तुलसी जोशी ने अपने वार्ड के अंदर अलग अलग जगहों पर लोगों को बुलाकर ये राशन वितरण किया है। जी हाँ, इस कोरोना काल में ज़रूरतमंद लोगों की लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मदद करी जा रही है और इसी क्रम में आज आरकेपुरम वार्ड की निगम पार्षद तुलसी जोशी के द्वारा इस कार्यक्रम को रखा गया, जहां पर लोगों को राशन वितरण किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर राशन वितरण किया जा रहा है और इसमें खुद आप देख सकते हैं नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी के साथ साथ नई दिल्ली जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा भी मौजूद हैं और खुद आरकेपुरम वार्ड की निगम पार्षद तुलसी जोशी भी हैं। सभी को बारी बारी से यहाँ पर राशन दिया गया और लोगों को राशन मिलने के बाद भी राहत नज़र आई, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के रोजगार और काम बिल्कुल तरीके से बंद हो चुके हैं और इसी क्रम में आज उनको ये राशन दिया गया, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिली। तस्वीरें देख रहे हैं आप आरकेपुरम की, जहाँ पर ये राशन वितरण किया गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राशन वितरण किया जा रहा है जी। कितने लोगों की जो है राशन के अरे हम गिनते नहीं है, जो जो जिसका जितना हो जाए उतना ही कम है और समाज में एक दूसरे की मदद के लिए सब लोग खड़े रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे और एक सुखद संदेश लोगों को रहे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बाकी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर एक दिल से काम करने वाले लोग हैं, तो यही कारण है कि सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ये कार्यक्रम तुलसी जी ने अपने क्षेत्र में रखा है। आप देख सकते हैं कि सब परिवारों को महीने भर का राशन उपलब्ध कराने का प्रयास किया, जहां दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से सब राशन मिलने के बावजूद दो दो महीने का राशन बिना कार्ड वाले लोगों को भी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया है, जिसको मुख्यमंत्री ने नाम बदलकर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का नाम दे दिया, लेकिन नाम देने के बावजूद लोगों के घर में राशन नहीं पहुंचा है और असलियत में ये सब केंद्र सरकार की तरफ से राशन आ रहा है। और अगर दिल्ली सरकार ढंग से काम कर रही होती तो हमें ये बांटने की ज़रूरत नहीं थी। आज कितने परिवारों को तकरीबन तकरीबन 150 परिवारों को आज हमने राशन वितरित किया है। जैसे पिछली बार वाली किट थी, जिसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो शुगर, 1 किलो नमक, मसाले, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, हैंड सैनिटाइज़र और टिश्यूज़, ये सारा मिला के 18 से 20 किलो की किट है जो हमने बांटी है सभी को। तो हमेशा से आपने देखा है कि पिछले ये तीसरा चौथा कार्यक्रम है हमारा रेगुलरली, वही जैसा मीनाक्षी जी ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार सही तरीके से जो केंद्र से राशन आ रहा है उस राशन का वितरण कर रही होती तो आज ये सिचुएशन नहीं होती कि हमें राशन बांटना पड़ता। बावजूद उसके इतने लोग अभी बाहर भी आए थे जो कह रहे थे कि हमें राशन चाहिए, तो उनको भी मैंने कहा कि आप लोग एक बार यहाँ की विधायिका के पास जाइए, क्योंकि उनको केंद्र से राशन मुहैया कराया जा रहा है और वो आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए। बट फिर भी इसी तरीके से वितरण करते रहेंगे जी। आपने देखा है पिछले साल से हम इस मुहिम में लगे हैं, जब पहले भी 4 बार लॉकडाउन लगा था हमने कंटिन्यूसली बना हुआ खाना, राशन, सैनिटाइज़र, सैनिटरी नैपकिन, सब्जी, फल, दूध, बटर, ब्रेड, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमने अपने क्षेत्र के लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मुहैया ना करवाई है।